हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर व्यू ऑफ डेटा ऑप्शन सीरीज। हम लोग पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग के डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड क्या होता है उसके बारे में समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग में होता क्या है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जिस तरह से हम लोग इंट्राडे में मार्जिन मिलता है उसका चाहिए थे, इंट्राडे में कितना मार्जिन मिलता है, किस तरह मार्जिन मिलता है, मार्जिन क्या होता है, ठीक उसी तरह से आपको फ्यूचर ट्रेडिंग में भी मार्जिन मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में पोजीशंस को बनाना है और एक ही दिन में पोजीशंस को स्वैप आउट कर दिया था हमने, यानी कि पोजीशंस को एक ही दिन में बनाना है और एक दिन में स्वैप पोजीशंस को कैंसिल कर देते थे इंट्राडे में। लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे फ्यूचर चलता है, यानी कि फ्यूचर का एक लिमिटेड एक्सपायरी है, यानी एक डिसाइडेड एक्सपायरी है, उस एक्सपायरी तक आप इसमें इसके ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं, यानी फ्यूचर को अपने एक्सपायरी अधिकतम एक्सपायरी यानी उससे पहले आप स्वैप कर सकते हैं या पोजीशन कर सकते हैं, लेकिन आप अधिकतम उसके एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं था, लेकिन फ्यूचर में ऐसा है कि आप एक्सपायरी तक होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स के एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टॉक का आज 500 चला, ठीक है, कोई स्टॉक का आज 500 चला, अगर आपका एनालिसिस कहता है कि ये 700 तक चला जाएगा तो क्या करेंगे कि अगर एनालिसिस कहता है कि मार्केट एक महीना या 15 दिन में 700 से ऊपर चला जाएगा या 700 तक चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे अभी ही अगले मंथ के एक्सपायरी का ट्रेड यानी कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे। ठीक है, और जब 700 जाएगा तो हम सेल करेंगे या 700 पर जाएगा या 700 पर जाएगा हम सेल करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हमें लगता है कि आज 500 की स्टॉक प्राइस है और आने वाले समय में या एनालिसिस कहता है आने वाले समय में उसका प्राइस 400 पे चला जाएगा या 300 पे चला जाएगा 400 पे चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि अभी का फ्यूचर है जिसका प्राइस 500 चला है तो हम नेक्स्ट मंथ लगता है 400 चलाएगा तो हम नेक्स्ट मंथ के एक्सपायरी को सेल करेंगे। तो जैसे ही सेल करेंगे और 400 पे जैसे मार्केट आएगा तो फिर हम अपने एक्सपायरी को फॉलो करेंगे, यानी कि 500 हमने सेल किया था, हमारा 400 हमने फॉलो किया तो सेल करने के बाद 100 का फायदा होगा। ठीक उसी तरह से हमने 500 पे बाय 700 पे सेल किया तो हमें एक लोड पे हमें 700 का प्रॉफिट होगा, 200 का प्रॉफिट होगा। तो क्या था इंट्राडे में हम लोग शेयर्स को बाय सेल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कि हम लोग शेयर्स को बाय करते हैं लेकिन शेयर्स को एक लोड में, मतलब एक बल्क में बाय सेल करते हैं, यानी कि जैसे हम एक लोड साइज में बाय सेल करते हैं, एक लोड में अलग अलग जो शेयर्स हैं, एक लोड में किसी का 500 किसी का 400 किसी का 700 शेयर्स होता है। ठीक उसी तरह से लेकिन अगर इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स एक लोड में 30 शेयर्स होते हैं और इंडेक्स में एक लोड में 15 शेयर होता है, तो फ्यूचर जब भी हम बाय सेल करते हैं तो उसे एक लोड में करते हैं, ना कि हम एक शेयर को बाय सेल करते हैं। ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एंजल वन के ट्रेडिंग ऐप पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ हम सर्च करते हैं निफ्टी। देखिए निफ्टी सर्च करते ही हमारे पास तीन कॉन्ट्रैक्ट मिला है, एक है मई 2024 का, दूसरा है जून 2024, तीसरा है जुलाई 2024। इसका भी एक पार्टिकुलर डे का एक्सपायरी होगा, इसमें हालांकि एक्सपायरी नहीं लिखा हुआ है तो इसका एक्सपायरी हम लोग कोटक सिक्योरिटी से देखते हैं, इसमें दिया हुआ है निफ्टी, देखिए कब कब का एक्सपायरी है। तो इसका 30 मई 27 मई और 25 जुलाई का एक्सपायरी है, यानी 30 मई 27 मई और 25 जुलाई का एक्सपायरी है। आप इस चीज़ को देखें, 30 मई 27 जुलाई और 27 जुलाई का एक्सपायरी है, 30 मई 27 जून और 25 जुलाई का एक्सपायरी है। ठीक है, इन तीन डेट का एक्सपायरी है। अगर इसका 30 मई का एक्सपायरी है, इसका अगर 30 मई का एक्सपायरी है तो इसका मतलब क्या कि आज अगर हम बाय कर रहे हैं इसका फ्यूचर तो हम 30 मई तक ही इसको होल्ड करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा दिन तक होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक बात और, निफ्टी यहाँ तीन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आया है तो हम लोग को चाहे हम लोग जो नियर एक्सपायरी रहेगा उसी में ट्रेड करना चाहेंगे क्योंकि इसमें लिक्विडिटी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है, तो आप इसमें ट्रेड करते हैं तो बेहतर रहता है। तो हम लोग नियर एक्सपायरी में ही ट्रेड करना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मान लिया जाए कि अभी निफ्टी क्या है, 22127 पे चल रहा है, अभी निफ्टी कितना पे चल रहा है, 22127 पे चल रहा है। अगर हमें या हमारा एनालिसिस कहता है कि निफ्टी 22127 यानी 22127 से अगले मंथ तक यानी कितना 30 मई के लगभग यानी मई के एक्सपायरी तक 22400 तक चला जाएगा, यानी कि 22400 तक चला जाएगा या 22327 से ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर को 30 मई वाले 2024 वाले फ्यूचर को हम लोग बाय कर लेंगे। अगर हमारा एनालिसिस कहता है नहीं इससे नीचे जाएगा तो हम इसी चीज़ को सेल कर देंगे। ठीक है, या तो हम बाय करेंगे या सेल करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देंगे। तो बाय यहाँ अगर हम करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें इंट्राडे भी आया है और कैरी फॉरवर्ड भी आया है। इंट्राडे का मतलब क्या है, आज ही बाय करेंगे तो आज ही सेल करना पड़ेगा या लास्ट तक ब्रोकर हमें हमारे पोजीशंस को स्क्वाड ऑफ कर देगा। लेकिन यहाँ कैरी फॉरवर्ड अगर हम करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर हम बाय किए हैं ना तो हम तब तक रख सकते हैं जब तक इस कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी नहीं हो जाए, यानी मई 30 मई का एक्सपायरी है तो 30 मई तक हम इस पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ कितना प्राइस चल रहा है, 22127 चल रहा है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी बाय करते हैं तो एक लोट साइज में बाय करते हैं। जैसे कि अभी मान लिया जाए कि निफ्टी का लोट साइज कितना चल रहा है, 25 क्वांटिटी का चल रहा है, तो हम चाहेंगे कि 20 क्वांटिटी 15 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जब भी हम बाय करेंगे तो एक लोट करेंगे, एक लोट में कितना क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी है, तो हमें जब भी करना है तो कम्प्लीट क्वांटिटी ही बाय करना है, उससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एक लोट अगर बाय करते हैं तो देखिए एक लोट में 25 क्वांटिटी होता है, तो 25 एक लोट में 25 क्वांटिटी होता है, तो हम लोग एक लोट बाय करेंगे तो आप देखेंगे कि एक लोट 22,127 अगर किसी का प्राइस चल रहा है, तो अगर 25 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे तो कितना हमारा अमाउंट हो जाएगा, तो आप कैलकुलेट कीजिए। तो 22,000 × 25 तो 22,000 × 4 यानी कि 11,000, 11,000 के आधा 5.5 यानी 5.5 लाख के लगभग हमारा 25 लोट अगर हम बाय करते हैं तो 5.5 लाख रुपये तक का लगता है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो मार्जिन है, फ्यूचर में मार्जिन मिलता है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना में ही बाय हो जाएगा, यहाँ देखें तो 62,734 में ही हमारा फ्यूचर बाय हो जाता है, बाकी हमें मार्जिन मिलता है। ठीक है, यहाँ चार्जेस लिखा हुआ है कि कितना चार्जेस लगने वाला है। ठीक, आप इसमें क्या देखे हैं कि फ्यूचर में हमें मार्जिन मिलता है, मार्जिन थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 10-10 गुना मार्जिन मिल जाता है ना। अब हम समझेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, तो इसके लिए हम लोग 2-3 वर्ड समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है कि ऑप्शंस बायर। ऑप्शंस बायर क्या कौन होते हैं, जो किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स के प्रीमियम को बाय करते हैं। अब ये प्रीमियम क्या है वो हम आगे समझेंगे जब हम एंजल वन के चार्ट पे जाएंगे। तो जो प्रीमियम बाय करते हैं उसे बायर बोलते हैं, और जो प्रीमियम सेल करते हैं उसे सेलर तो बोलते हैं ही हैं, दूसरा हम दूसरे वर्ड में उसे ऑप्शंस राइटर भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा वर्ड क्या यूज होने वाला है, फर्स्ट होने वाला है पुट और दूसरा होने वाला है कॉल। पुट का क्या मतलब है, अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो पुट का मतलब है जब मार्केट आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा तब आप पुट बाय करते हैं, जब आप पुट बाय करते हैं तब आपको फायदा होता है। ठीक, वही कॉल किसे कहते हैं, अगर आप कॉल बायर हैं तो आप कॉल तब बाय करते हैं जब आपका एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपको फायदा होता है। ठीक, दूसरे टर्म में क्या बोल सकते हैं, पुट हम तब बाय करते हैं जब नीचे जाएगा। ठीक इसी टाइम अगर कॉल, और जो राइटर होगा सेलर होगा वो क्या करेगा, कॉल को सेल करेगा, यानी जब उसे लगेगा कि, यानी जब उसका एनालिसिस कहेगा कि मार्केट नीचे जाएगा तब वो कॉल का राइटिंग करेंगे। ठीक है, कॉल का राइटिंग करेंगे कब, जब मार्केट नीचे जाएगा, यानी कॉल को बेच देंगे, हम लोग पुट को बाय करेंगे, यानी बायर पुट को बाय करेगा और सेलर कॉल को सेल कर देगा। ठीक, दूसरे केस में क्या होगा, बायर कॉल को बाय करेगा जब उसे उसका एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो कॉल को बाय करेगा, और वही जो सेलर्स होगा वो पुट को सेल कर देगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है एक तरह से, जिस तरह से फ्यूचर में लोट हम कंप्लीट लोट को बाय किया करते थे, ठीक उसी तरह से ऑप्शंस में भी इसके प्रीमियम को जब भी बाय करेंगे या सेल करेंगे तो एक लोट में करेंगे, एक या दो शेयर्स नहीं करेंगे, जब भी करेंगे तो एक लोट कंप्लीट लोट में बाय या सेल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि फ्यूचर में जो है टाइम स्पेंड होने से इसके प्राइस पे प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस किसी भी शेयर या इंडेक्स के ऑप्शंस का प्रीमियम अगर बाय करते हैं तो टाइम स्पेंड होने के बाद, यानी कुछ समय बीतने के बाद आपका प्रीमियम डिके होने लगता है, डिके का मतलब आपका प्रीमियम घटने लगता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर बोला जाए तो ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है। देखिए सबसे आसान है डिलीवरी यानी इन्वेस्ट करना, जो कि रिस्की ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा रिस्की है इंट्राडे ट्रेडिंग, डिलीवरी से ज़्यादा रिस्की है स्विंग्स ट्रेडिंग, उसके बाद है इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की, और उसके बाद है फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की, और उसके बाद है जो सबसे ज़्यादा रिस्की है वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ठीक है, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।
इस चीज़ को आसानी से समझने के लिए हम लोग एंजल वन के ट्रेडिंग ऐप पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सर्च करें निफ्टी, तो निफ्टी सर्च करने के बाद आप देख सकते हो कि तीन तीन जो है ऊपर में फ्यूचर का आया, उसके बाद ओपीटी ओपीटी है यानी ऑप्शंस, ऑप्शंस का प्रीमियम है, ये सब जो है ऑप्शंस का प्रीमियम दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग और अभी जो है निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 22054 पे है, यानी 22054 पे है। तो अगर हमें हमें लगता है कि या हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर 22100 तक जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉल का पोजीशन बनाएंगे। और अगर हमारा एनालिसिस कहता है कि मार्केट नीचे जाएगा, यानी कि मान लिया जाए कि 22000 पे जाएगा, तब हम लोग यहाँ यहाँ से पुट का पोजीशन बनाएंगे, तब हमें प्रॉफिट होने वाला है। अगर हम बायर हैं तो, और सेलर होंगे तो इसका उल्टा करेंगे। ठीक, तो एक बात आप यहाँ ध्यान रखें कि अगर ऑप्शंस आप बाय करते हैं, कोई सा भी ऑप्शंस हो, अगर आप ऑप्शंस बाय करते हैं, हम निफ्टी का ही लगा देते हैं, ऑप्शंस आप बाय करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जैसे मान लिया जाए कि यहाँ ये वैल्यू देखिए 22057 है, 22057 से नीचे गिरा वैल्यू, 22000 ये 22057 से नीचे वैल्यू गिरा है, यहाँ तक आया है। ठीक यहाँ आने के बाद अगर वैल्यू फिर से यहाँ 22057 तक पहुँच जाता है, तो अगर हम ऑप्शंस बायर हैं, अगर हम ऑप्शंस बायर हैं तो हमें लॉस दिखेगा, तो हमें यानी मार्केट वहीं हमने बाय किया था, हमने मान लिया जाए पुट यहाँ बाय किया था नीचे के लिए, लेकिन मार्केट फिर रिटर्न होकर यहीं आ गया है, तब भी हमें लॉस होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम ऑप्शंस बायर हैं, ऑप्शंस बायर पे प्रीमियम डीके का प्रभाव पड़ता है, यानी कि अगर टाइम अधिक लग रहा है तो आपका प्रीमियम, ऑप्शंस बायर का प्रीमियम डीके करता है। ठीक वही ऑप्शन सेलर जो होंगे तो उसे प्रॉफिट ही हो रहा होगा, जैसे यहाँ जो है मान लिया जाए कि ऑप्शन सेलर क्या किए होंगे, यहाँ से कॉल का पोजीशन सेल किए होंगे, मान लिया जाए कॉल का पोजीशन सेल किए होंगे, यहाँ एग्जिट नहीं किए होंगे, फिर भी फिर मार्केट आकर के यहाँ रुक गया है, तो इसका मतलब उसे लॉस नहीं हो रहा होगा, यहाँ तक उसे प्रॉफिट ही हो रहा होगा, क्योंकि उसके पास टाइम वैल्यू मिला है, उसको क्या मिला है, टाइम वैल्यू मिला है। ठीक है, तो फिर अगर ऑप्शंस बायर हमेशा लॉस ही कर लेता है तो ऑप्शंस बाइंग क्यों करते हैं, ऑप्शंस सेलिंग क्यों नहीं करते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ समझते हैं। देखिए मान लिया जाए कि 22150 का प्रीमियम हम लोग बाय या सेल करते हैं, अगर आप ऑप्शंस का प्रीमियम बाय करेंगे, मान लिया जाए कोई भी ऑप्शंस हो, देखिए 22058 के आसपास मार्केट चल रहा था, तो अगर आप 22100 का प्रीमियम बाय करते हैं, चाहे कॉल हो या पुट हो, तो आपका देखिए मार्जिन कितना लग रहा है। यहाँ अगर मार्जिन की बात करें तो यहाँ देखें मार्जिन आपका 4377 रुपया लग रहा है, लेकिन अगर आप यही 22100 के कॉल का प्रीमियम सेल करते हैं, 22100 के कॉल का प्रीमियम सेल करते हैं, तो आपका कितना मार्जिन रिक्वायर पड़ेगा, यानी कितना मार्जिन का ज़रूरत पड़ेगा, यानी 62000। आप देख रहे होंगे कि प्रीमियम को बाय करने में आपको कम पैसे लग रहे हैं, लेकिन सेल जब करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगता है, तो यही वजह है कि सेलर को बेनिफिट होता है। सेलर को बेनिफिट किस रूप में होता है, तो सेलर को बेनिफिट टाइम वैल्यू के रूप में होता है। तो आप और दूसरी बात है कि देखिए बायर जो 4000 रुपये का प्रीमियम बाय किया है, तो ये 4000 रुपया 8000, 10000, 15000, 20000 तक भी पहुँच सकता है, और उससे ज़्यादा भी अनलिमिटेड तक पहुँच जा सकता है। लेकिन अगर जो सेलर्स है, सेलर सेल किया है, मान लिया जाए कि उसका प्राइस अभी किसका, तो 22100 कॉल के प्राइस अभी 213 है, तो 213 रुपये ही उसे प्रॉफिट होगा, समझ रहे हैं, यानी कि 213 रुपये में अगर किसी ने बाय किया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस होगा, 213 रुपये का ही लॉस होगा। लेकिन अगर फ़ायदा होगा तो कितना होगा, तो 413 भी जा सकता है, 613 भी जा सकता है। ठीक है, तो सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस है लेकिन लिमिटेड प्रॉफिट है, सेलर के पास अनलिमिटेड लॉस है, लिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन उसके पास टाइम वैल्यू है, यानी टाइम जितना आपका लेगा उतना आपका प्रीमियम डिके होगा, और जो प्रीमियम आपका डिके होगा वही सेलर के पास जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग काफ़ी रिस्की है, खासकर ऑप्शन बाइंग तो और ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा रिस्की ऑप्शंस बाइंग है इस ट्रेडिंग में। ठीक है, अब लगता है कि आपको डिलीवरी ट्रेडिंग क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है, स्विंग ट्रेड क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शंस क्या है, सब आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूचर में क्या है, टाइम डिके का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में टाइम डिके होता है, प्रीमियम का टाइम डिके होता है। ठीक है।
चल मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।